अमेरिका के न्यू जर्सी में देश का दूसरा सबसे बड़ा मॉल खुलने जा रहा है। अरबों डॉलर की लागत से बना अमेरिकन मॉल उत्तरी अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा मॉल होगा। इस विशालकाय मॉल की परिकल्पना आज से दो दशक पहले की गई थी। उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर अमेज़न भी सिर्फ किताबें बेच रहा था और हम सब अपनी जरूरत की सारी चीजों की खरीदारी के लिए मॉल पर ही निर्भर थे। अमेरिकन ड्रीम मॉल में 30 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा स्पेस है, जिसमें रोलर कोस्टर, वाटर पार्क समेत मनोरंजन के 12 से ज्यादा ठिकाने हैं। रंगारंग कार्यक्रम के बीच इस भव्य मॉल की ओपनिंग की गई, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहां मौजूद थे। वहीं अमेरिका में कई लोग इस मॉल के निर्माण पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। सवाल ये है कि आज के दौर में इतने बड़े शॉपिंग मॉल में जाने के लिए लोग कहां से आएंगे? आज जब ग्राहक आईफोन और स्मार्टफोन से ही खरीदारी करने में मगन है, तो इतने बड़े मॉल की जरूरत कहां है?